नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों पर दिया बयान, कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस ने घटिया राजनीति के चलते भेदभाव का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार ने बिना मदद मांगे केंद्र पर आरोप लगाया। मैंने सीएम रहते हमेशा तत्काल सहायता का प्रबंध किया, केंद्र का इंतजार नहीं किया। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को मदद मुहैया कराए। राज्य में कई जगह ठीक से खरीदारी नहीं हो रही है, कई फसलों का भुगतान किसानों को नहीं हुआ है। ई टेंडरिंग पर बोले कि हमने ही जांच के आदेश दिए थे, जांच करा के कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। भोपाल सहित सभी उम्मीदवार आज तय होंगे। देश में अब भाजपा की आंधी है, देश की जनता मोदी के साथ है। भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी, राहुल गांधी मानसिक दिवालिया हैं। सिद्धू पर चुनाव आयोग रोक लगाए, जल्द आ सकती है भाजपा की सूची। कहा कि एक दो घंटे में भोपाल सीट की स्थिति साफ हो जाएगी। कार्यकर्ता आपस में मिलते रहते हैं, समान विचारों के हैं, लेकिन आज भोपाल सहित बाकी सब उम्मीदवार अभी तय हैं। मैं कल गुजरात में था, उसके पहले भी लगभग 13 राज्यों में मैंने दौरे किए हैं अब तक, और मैं बड़े आनंद के साथ कह रहा हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ कह रहा हूँ। पहले हवा थी, वो लहर बनी और अब आंधी के रूप में परिवर्तित हो रही है। पूरे देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है। नेतृत्व के मामले में पूरे देश में स्पष्टता है, मोदी के सामने कोई नहीं। सर, सिद्धू जी ने कहा है कि, और मैं आज कह रहा हूँ, आत्मविश्वास से भरा हुआ कह रहा हूँ कि अकेली भारतीय जनता पार्टी शानदार बहुमत प्राप्त करेगी, एनडीए के साथ और ज्यादा सीटें लाएंगे और फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लाइन लगाए, दो दो तीन तीन दिन किसान खड़े हैं ट्रायलियां ले, खरीदी नहीं ढंग से की जा रही, भुगतान नहीं हो रहा, कई जगह किसान लाइन लगा के खड़ा, पैसा नहीं मिल रहा। सोयाबीन के 500 रुपया क्विंटल आपने नहीं दिए, धान पे बोनस आपने नहीं दिया, छत्तीसगढ़ 2500 रुपया दे रहा है, आप क्यों देख रहे? मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या कम मेहनत की है? क्या उसके पसीने की कीमत नहीं है? छत्तीसगढ़ 2500 दे और आप 1750 दे। मैंने घोषणा की थी कि हम किसान को धान का भी बोनस दें, उड़द का, मूंग का भावांतर नहीं दिया है, धान के पैसे का भुगतान नहीं हुआ। अब कम से कम संकट के समय तो किसानों के बीच में जाएं और सहायता करें, राजनीति ना करें। केंद्र से सहायता लेने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसको पूरे किए बिना केवल आरोप लगाना। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें 6000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में जाने थे। अब तक कमलनाथ जी जवाब दें, क्यों किसानों की सूची आपने केंद्र सरकार के पास रिकॉर्ड होगा ना, वो पैसा सीधे किसान के खाते में आता, आपका क्या बिगड़ता? लेकिन पैसा खाते में ना आ जाए, मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, केंद्र सरकार को श्रेय ना मिल जाए, इसे सूची मत भेजो। मुंबई में बता दीजिए, ये मानसिकता क्या है? मुख्यमंत्री है वो, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए कभी तत्काल सहायता करने में कभी केंद्र का मुंह नहीं देखा। बीच में प्रभावितों के बीच में जाता था, खेतों में जाता था, फसलें देखता था, और सबसे पहले राज्य सरकार की ओर से सहायता करता है। इस प्राकृतिक आपदा के समय जब किसान संकट में है, लोगों की जान भी गई है, फसलें भी खराब हुई है, वो इधर उधर की राजनीति करने के बजाय सीधे प्रभावितों की सेवा करें, राहत दें, कैंसर जो चाहिए वहां भेजें। लेकिन अभी तक एक उदाहरण केवल एचआरसी का छोड़ के मुख्यमंत्री कहीं नहीं। मैं उनसे कहता हूं कि वो जाएं,
सकते हो देखे ये सिद्धू हो चाहे बाकी प्रतिपक्षी हो ये टिक नहीं पा रहे इसलिए तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अब बताइए राहुल जी को भी क्या हो गया, सारे मोदी चोर हैं। ये मानसिक दिवालियापन, ये पराजय की बौखलाहट, ये पांव के नीचे से जमीन खिसकने का एहसास है जो कुछ भी बातें करा रहा है। सिद्धू जैसे लोगों पर तो चुनाव में भाग लेने पर और प्रचार करने पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए चुनाव आयोग। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।